हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल के इन सुंदर पुष्प के साथ और खिलखिलाते पुष्पों की तरह आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ एक नए दिन की शुरुआत और एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। फूल प्रकृति की शोभा होता है, इनको अनावश्यक रूप से नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ में फूल तोड़ने भी जरूरी हो जाते हैं, इसलिए पुष्प तोड़ रखे हैं और बहुत ही सुंदर है। पुष्प का सबसे सुंदर भाग जो है वो है पेटल्स यानी दल, जो ये लाल लाल है इनको पेटल्स कहते हैं। तो ये रोजेसी फैमिली का गुड़हल है। तो आज की दिनचर्या क्या होती है, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं दिन भर में हम क्या क्या करते हैं। आज मैं बना रही हूँ भंगीरे की चटनी। भंगीरा ये भांग से छोटा रूप होता है इसका, ये देखिए, ये है भंगीरा। मुझे भांग से ज़्यादा भंगीरे की चटनी लगती है। भंगीरे को हम कच्चा भी खा सकते हैं, कोई नशा नहीं, लेकिन भांग को हम कच्चा खाते हैं तो थोड़ा सा नशा हो जाता है। तो यह है भंगीरा और मैंने उसके लिए कढ़ाई यूज कर रखी है, तवे में यह चटक जाएगा। भंगीरा भून लिया है मैंने अच्छे से और इसमें मैंने क्या मिला रखा है, अब देखिए, इसमें मैंने धनिया, थोड़े से लहसुन के पत्ते और हरी मिर्च मिला रखे। चाहे तो आप इसको मिक्सर में पीस सकते हैं, लेकिन मुझे मिक्सर में अच्छा लगता है, मैं ट्रेडिशनल तरीके से सिलबट्टे में पीसती हूँ इसको। मैं इसको महीन पीस लूँगी। ये पीस गई है मेरी, मेरा भंगीरा, भंगीरे की चटनी ऐसे बनाते हैं, बारीक पीस लिया। इसमें नमक मिर्ची सब मिला लेना है और खट्टा करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैं क्या मिलाती हूँ। ये चटनी पीस ली, इसमें मैंने धनिया मिर्ची मसाला ये डाल दिया मैंने खट्टा करने के लिए, सिरका, चूक, ये चूक मिलाएंगे तो इसमें खट्टा हो जाएगा। अब इसमें हम, अगर आप खट्टी मीठी खाना पसंद करते हैं तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं। तो बन गई हमारी चटनी, मेरे तो मुंह में पानी भी आ गया है। और फाइनली बन गई चटनी और आज हमने बना रखी है ककड़ी की बड़ी, माँस और ककड़ी की बड़ी की सब्जी, हरी सब्जी, मूली का सैलेड काटा है। कुहू यहाँ पर खाना खा रही है, यहाँ पर आप खाना खा रहे हैं। चटनी आपको कैसी लगी है? आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 to 11। क्यों बोल रही है? गंदी लगी? मैं तो खाई नहीं है, गंदी तो कैसे पता चलेगा, देखे देखे शक्ल। आज विमला काफी व्यस्त हैं, अब लगन का महीना आ गया तो महिलाएं अपने सौंदर्य के प्रति काफी जागरूक हैं। तो कुहू भी लाइन में है और कार्य प्रगति पर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बैठे हैं हमेशा की तरह हमारी खीमादी विराजमान है यहाँ पर। मैंने भी करा ली है अपनी फेस की मसाज, चमक रहा है ना, आप देख ही सकते हैं कि लग ही रहा होगा, बिल्कुल निखार आ गया है। विमला के हाथों में तो वैसे ही जादू है, क्यों विमला? अगर आप लोगों को भी करानी है ना रिजनेबल रेट पे, तो आप जरूर आइए एक बार इधर स्मृति ब्यूटी पार्लर में, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आप संतुष्ट होके जाएंगे। तो अब देखते हैं मैं क्या क्या यहाँ से खरीदती हूँ। इतना बड़ा राम करेला देखिए आप, इतना बड़ा नहीं होता, सामान्यतः हमारे यहाँ छोटे होते हैं, ये इतना बड़ा है और ये हल्का सा खराब भी हो गया। या ये भेजा है मेरे स्टूडेंट दिनेश ने, जो अभी तैयारी कर रहा है सिविल एग्जाम की, तो उसने भेजा है ये। उसके यहाँ होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ भेजता, तो देखिए इतने बड़े करेले। आज हमारी बनेगी करेले की सब्जी। ये है हुड़कना, देखिए कितना ठंडा होता है, यहाँ पे धूप आती नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, क्योंकि जो हुड़कना है ना वो ली साइड पे है। ली साइड मीन्स कि जहाँ सनलाइट नहीं आती है
तो ज्योग्राफी के पास में उसको ली साइड कहते हैं, तो ली साइड में बिल्कुल धूप नहीं आती है और हुड़कना इतना कुछ बदल गया। तारा मैं आपको दिखा नहीं पाई, आप हमारे यहाँ पर की गुलदावदी कितनी सुंदर सुंदर के लिए, और ये देखिए मामी भी बिल्कुल कितनी सुंदर सुंदर साड़ी पहन के, ये देखिए सफेद कलर का जिरेनियम कितना सुंदर लग रहा है ये, वाव। अभी बजे शाम के 6:30 और आजकल दिन छोटे हो गए हैं तो जल्दी रात हो जाती है। मैंने पूजा पाठ कर ली है और खर्क से मैं आ गई हूँ, और अभी मैंने सुबह कपड़े धोने का टाइम नहीं हुआ तो अभी कुछ कपड़े धोए मैंने, धोके मैंने ड्रायर लगा के बाल्टी में रख दें, कल धूप में रख लूंगी। तो आज चिमतौली से एक चीज आई है, मैं आपको दिखाती हूँ और किसने भेजी है ये भी आपको बताती हूँ कि क्या क्या आया है। मैंने आया है चिमतौली से सामान मिलने, और देखते हैं कि क्या है ये। इसमें रेखा ने भेजा है, देखिए माल्टे भेजे हैं, और क्या है इसके अंदर, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। ये राम करेला भेजा है और अमरूद भेजे हैं। थैंक यू सो मच रेखा। कहते हैं ना कि मान बड़ा की पान बड़ा, मतलब कौन इंसान कितना मानता है किसी को। हालांकि ये चीजें यहाँ भी मिल जाएंगी खरीद कर, लेकिन खरीद ना उतना वो नहीं होता ना, अगर कोई हमें अपना मान के अपना समझ के कुछ भेजता है तो अच्छा लगता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं लालची हूँ कि दूसरे की दी हुई चीजों में खुश रहती हूँ। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीजें देने से खुशियां बढ़ती हैं और हमारे जो रिश्ते होते हैं वो भी प्रगाढ़ होते हैं। तो रेखा ने भेजा, हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहती हैं वो, जैसे उनके घर में कुछ होता है, इवन ककड़ी लगेगी तो सबसे पहले वो मेरे लिए भेजेंगी, और अमरूद उनके पेड़ में लगे तो ये अमरूद उनकी चौथी बार मैं खा चुकी हूँ, मतलब इतने बार उसने भेजते हैं। माल्टे भी जब गौरा को चढ़े थे उसके कुछ दिनों बाद ही वो मेले लागी थी, और आज भी माल्टे भेज रखे हैं। और राम करेले उनको, उसको बताया कि मैडम को राम करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो उसके वो भी भेज रखा है। ऐसे वो भेजते रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा, और तुम्हारे घर में होते रून हम ले खाते रहा था इस चीज, थैंक यू। आज मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए सामान भेज रखा है, और मैं दिखाती हूँ क्या भेज रखा है। मैंने क्या कहा था भेजना तो मम्मी ने वही भेजा है मेरे लिए। हालांकि मेरे घर में गाय है दिनाली, और मुझे भैंस की मट्ठा बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मम्मी ने इसमें भैंस की मट्ठा भेज रखी है। और ये देखिए 2 लीटर के बोतल में, मैंने एक दिन कहा था मम्मी मट्ठा भेजना तो मम्मी ने मट्ठा भेजी है। माँ का प्यार होता है ना, एक बार कह दिया बच्चों ने जो तो वो करती हैं, और भी बहुत कुछ भेजा है तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। मम्मी लोगों ने चावल भेजे हैं, गेहूँ भेजे हैं, और चावल का आटा भी भेजा है, और मट्ठा भी भेज रखा है, तो क्योंकि और चीजें गाड़ी में ही है वो उतार नहीं पाए तो मम्मी ने ये भेज रखा है। मुझे भैंस की मट्ठा बहुत अच्छे लगते, बहुत टेस्टी होते ना गाड़ी गाड़ी, तो ये भेज रखा है। और आज अब मैं बना रही हूँ सब्जी। सब्जी में आज मैं लाई हूँ इस सीजन की पहली मटर लाई हूँ, तो आज मैं बनाऊंगी मटर गाजर और आलू की सब्जी। ये आया है लाल लाल गुड़, इसमें देखें, और इसमें भेजा है, ये मेरी बुआ ने भेजा है प्लांट, पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, ये भेज रखा है, शायद कोई फूल का होगा, और पन्नी पन्नी होगी, पॉलीथीन ही पॉलीथीन। इसमें गडेरी, ये मूली, ये मम्मी ने मूली भी भेज रखी है, और यह है चावल का आटा, और यह है राई, तो इतनी चीज़ भेज रखी है इनको सबकी, सबको अभी मुझे रखना है, तो इनको सभी सबको अभी मैं रख लूँगी यथास्थान जहाँ पर जिन जिन चीज़ों को रखना है। तो इन्जॉय करते हैं इतने सामान को। यही रही आज की मेरी दिनचर्या। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय।